हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम के बारे में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस बार बार मेरे पास आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एंड यूट्यूब के भी कॉमेंट सेक्शंस में कॉमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं कम्प्लीट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखना, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरी वीडियो, आप यहाँ पे, आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक FAQs मिलेगा, जिसमें कंप्यूटर एंड सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया। जो भी एक कॉमन क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए गए। तो हम वन बाई वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब व्हाट इज स्किल ट्रेनिंग, ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर देना है। अभी देखो, कोर्स कैरिकुलम में क्या क्या चीज़ें कवर की गई है, तो आप यहाँ देख सकते हो। आपको SAP 60 आवर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग जो आपको दी जाएगी 40 आवर्स की है, 20 आवर्स की आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है, 20 आवर्स की आपको रिटर्न फाइलिंग की है। ओके, फर्स्ट कोर्स ये हो गया हमारा। इस कोर्स कंटेंट में क्या क्या गया, अब इन्होंने नेक्स्ट बताया कि आपको SAP की ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी, ई फाइलिंग में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज की जो सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम होगी उसमें आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी। तो आप इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, लेकिन जब जैसे जैसे आपका कोर्स चलेगा तो आपको खुद मालूम चलेगा कि किस तरीके से कोर्स चल रहा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए एलिजिबल। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑन और आफ्टर रजिस्टर्ड हुए हैं 11 अगस्त 2020 से, वही इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड थिंग, जिन्होंने अपना कम्प्लीट फीस पेमेंट कर दिया इंटरमीडिएट के लिए, वही इसके लिए एलिजिबल है। मतलब आपने 11 अगस्त या उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन लिया है और प्लस आपने इंस्टीट्यूट को कम्प्लीट फीस पेड कर दिया है, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर जो भी स्टूडेंट 11 अगस्त से पहले यानी 10th अगस्त को भी अगर रजिस्ट्रेशन लिए हैं, तो उन्हें भी ये कोर्स नहीं दिया जाएगा, उनके लिए ओल्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग ही स्कीम चलेगी। ओके, नेक्स्ट, ये सारा कोर्स का ड्यूरेशन बताया गया है। इसके अलावा व्हाट आर दी सिस्टम रिक्वायरमेंट, देखो आप जो क्लासेज जो आपकी होगी उसको आप फोन पे, टैबलेट्स पे, एंड्रॉयड, विंडोज, कहीं पे भी आप क्लासेज को आप देख सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होता है कि आप क्लासेज को, अब SAP है तो SAP को अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, लैपटॉप ही आप उसको सीख सकते हो। एक्सेल को आप लैपटॉप ही सीख सकते हो, उसको आप फ़ोन के थ्रू नहीं सीख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आप घर से करना चाहते हो, या फिर आपको नियरेस्ट अपने साइबर कैफे जाना पड़ सकता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो, या फिर आप नियरेस्ट चैप्टर में भी जा सकते हो। एक बार आप इंस्टीट्यूट से कंफर्म कर सकते हो कि सर मेरे पास डेस्कटॉप सिस्टम नहीं है, तो क्या मैं नियरेस्ट चैप्टर में जाके मैं SAP की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने अभी तक कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है कि आप नियरेस्ट चैप्टर में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो नहीं, ठीक है। अब बात आती है अटेंडेंस की। देखो, अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है आपकी, बिकॉज लाइव क्लासेज होगी, और कहीं भी रिकॉर्डेड क्लासेज के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया कि आपको अगर लाइव क्लासेज में अगर आप प्रेजेंट नहीं होते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेज की आपको एक्सेस मिलेगी, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं किया गया है इस कंप्लीट सीरीज में। तो इसके अलावा हम बात करते हैं, ये कोर्स सीरीज आपका कितने दिन का चलेगा। अगर जो भी स्टूडेंट्स जैसे जून में रजिस्टर्ड होते हैं एंड जून में अगर क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो वो दिसंबर में इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट दिसंबर में रजिस्टर्ड होते हैं और दिसंबर में क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो जून में इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, हाउ द स्टूडेंट्स विल एसेस द आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो ये कोर्स आप इस तरीके से आप कर सकते हो, हाउ द स्टूडेंट्स विल एसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। देखो, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपका मैंडेटरी एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपका SAP से होगा एंड बाकी 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट से, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रिटर्न फाइलिंग से होगा, जिसमें आपको 50% लाने हैं, 50% आपको मार्क्स लाने हैं, यानी 100 out of 50 आपको लाना है, तभी आप एग्जाम पास आउट कर सकते हो। और आपको मिनिमम 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे आपको एग्जाम पास आउट करने के लिए, आपको इंस्टीट्यूट 3 अटेम्प्ट्स आपको प्रोवाइड करेगी, तो आपको विथ इन द 3 अटेम्प्ट आपको क्वालिफाई करना है।
द स्टूडेंट्स विल गेट 3 attempts टू क्लियर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके, आपको 3 attempts दी जाएगी जिसमें आप अपने 3 attempts में आपको एग्जाम को पास आउट करना है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है. इसके अलावा आपके पास जो सर्वर एक्सेस ये सारी चीज़ें रहेगी वो 10 months के लिए रहेगी. यहाँ पे कोई वीडियोज के बारे में नहीं लिखा गया कि जो लाइव क्लासेज की जो वीडियोज अवेलेबल हो सकती या नहीं हो सकती, ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं किया गया. तो इसके ऊपर मुझे अभी डाउट है, जब मैं इसके ऊपर कंफर्म हो जाऊँगा तो आपको मैं डेफिनेटली इसका आंसर दे दूंगा. इज देयर एनी एडिशनल कॉस्ट? नहीं, इसके लिए आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पे करना है. जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे किया है उसी में सब कुछ इंक्लूड है. सेल स्टूडेंट भी एलिजिबल टू गेट स्किल ट्रेनिंग मटेरियल? यस, आपको ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी सॉफ्ट कॉपी में. हार्ड कॉपी में कोई भी मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है. इसके अलावा और कोई ऐसा कोई डाउट आपको लगता है तो आप इंस्टीट्यूट को आप डायरेक्ट मेल करके आप पूछ सकते हो. जैसे वीडियोज रिकॉर्डेड से, कि अगर आप लाइव क्लासेज में अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो क्या आपको उसकी रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पूछ सकते हो. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक.